हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर के मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो वीडियो अपलोड करना व्यर्थ है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आज एक बहुत ही बड़ा जो न्यूज़ है निकल कर सामने आई है बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर के, कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि दीपावली का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में मैं लेकर के आया हूँ एक ऑफ़र जिसमें आपको मिलेंगे 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, जिसमें आपको यानी कि फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम के द्वारा आप पे अवेलेबल होगा। लेकिन इसके लिए मात्र 3 शर्त हैं। पहला शर्त यह है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हों, दूसरा शर्त यह है कि आप वीडियो को लाइक करें, और तीसरा जो है वह यह है कि इस वीडियो में आपको यानी कि कमेंट करना है, और जिसका भी कमेंट पहले आएगा उसे मिलेंगे 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट। तो दोस्तों, यह ऑफ़र सीमित समय के लिए है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिर्फ स्कोर माना जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम अगले महीने, यानी कि सिपाही लिखित परीक्षा का परिणाम जो है वह अगले महीने में ही जारी होगा। और जैसा कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, और जैसा कि आपको पता होगा कि नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन इस महीने में भी कोई भी संभावना नहीं है बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है यह आने में बहुत ही ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे यानी कि फैक्टर जो हैं वह यह बताते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं यानी कि आप कह सकते हैं कि यह सरकार या जो है ये CSBC जो बोर्ड है वह एक्टिव नहीं है, और ऐसे में आपका जो रिजल्ट है उसमें डिले बराबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम अगले महीने, सिपाही भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम दिसंबर में आ सकता है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के मुताबिक संभावना है कि दिसंबर के आखिर अंत तक परिणाम, यानी कि आप कह सकते हैं कि दिसंबर के आखिरी अंत तक इसका जो परिणाम है वह जारी कर दिया जाए। और जैसा कि आपको पता होगा, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद प्रतियोगिता होगी, यानी कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वह दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद प्रतियोगिता और रेस है, यानी कि रनिंग है। तो ऐसे में आपको पहले से फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो। तो दोस्तों, आपके मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट होगा कि कितने नंबर होने पर आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वह BPSC लेवल का एग्ज़ाम था, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो है एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, तो इसलिए जो कट ऑफ है वह कम जाएगा। लेकिन जैसा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वह यह बोल रहे थे कि एग्ज़ाम में नकल हुआ था, यानी कि एग्ज़ाम में नकल हुआ था और लोगों में 20, 30 या 40 क्वेश्चन जो है वह व्हाट्सअप के जरिए मिल गया था, तो ऐसे में जो कट ऑफ है वह ज़्यादा जाने का संभावना है। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपसे सिंपल सिंपल यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका 65 बन रहा है तो भी आपको रनिंग का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, और अगर आपका 60 से अबव है, यानी कि 60 मार्क्स से अगर आपके अबव बन रहे हैं, तो आप बेझिझक आप चाहे जनरल से हैं या OBC से हैं या किसी अन्य कैटेगरी से हैं और आपका 60 से ऊपर बन रहा है, तो आपको बिना सोचे समझे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके फिजिकल के लिए समय नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यह रहा वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके मोटिवेट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।